एक गुरु की विदाई पर रोते पूरे गांव की इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर पबजी खेलने वालों की भी आंखें नम कर दी। कलियुगी टीचरों के दौर में एक गुरु ऐसा भी है जिसके तबादले पर बच्चे तो बच्चे पूरा गांव रो पड़ा। ये कहानी आशीष डंगवाल की है। उत्तरकाशी के भगोली गांव में पढ़ाने वाले आशीष बच्चों के लिए मानो अवतार की तरह आए और पढ़ाने लिखाने का वो जज्बा दिखाया कि पूरा गांव मास्टर साहब का मुरीद हो गया। आज आशीष डंगवाल का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं रह गया। सूबे के सामान्य लोगों से लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत तक आशीष की महिमा का बखान करते नहीं थक रहे। आशीष और आशीष जैसे जो हमारे शिक्षक हैं उनके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से ये बच्चों के साथ और उनके अभिभावक जैसे एक शिक्षक एक परिवार हो जाता है एक विद्यालय, और जिस तरह से एक पारिवारिक फीलिंग महसूस हुई भकोली कॉलेज में जहाँ पर ये पढ़ा रहे थे, तो एक इसी पारिवारिक भाव से आगे भी अपने शिक्षण कार्य को जारी रखें, उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और ऐसे अन्य शिक्षक जो इस काम में। एक गुरु के पास देने के लिए ज्ञान के सिवा क्या हो सकता है? उसे इनाम में सम्मान मिल जाए और लोग उसकी काबिलियत के कदरदान बन जाए, इससे पढ़कर गुरु दक्षिणा भी क्या हो सकती है। मेरे बच्चे जो उस दिन भी बहुत भावुक हो रहे थे, मैं भी लगातार भावुक हो रहा हूँ, तो वहाँ से आने के बाद जो बच्चे कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची है 5 में पढ़ती है, उसका वीडियो कॉल आया था, वो बेहोश हो गई थी। तो मैं उनसे सबसे कहूँगा, सारे बच्चों से, गाँव वालों से, कि आप अपना बहुत ख्याल रखिए और मैं आऊँगा दोबारा लौट करके, अभी अगले महीने आऊँगा, तो आप लोग प्लीज़ पढ़ाई करिए, खाना खाइए। और ये तो सरकार की सिस्टम होता है कि हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो मेरा रिश्ता हमेशा आप लोगों के दिल में हमेशा के लिए बन गया है और आता जाता रहता है। कोचिंग सेंटर्स और 5-स्टार स्कूलों में पढ़ने और पढ़ाने के दौर में आशीष डंगवाल का ये डंका देश की सबसे अच्छी खबर है। ये खबर साबित करती है कि आप अच्छा करेंगे तो आपकी अच्छाई की कीर्ति पूरे समाज और देश में फैलेगी। आशीष डंगवाल के लिए लोगों के दिलों में सम्मान का शिखर छूने की राह आसान नहीं थी। जान जोखिम में डालकर पहाड़ी रास्तों और नाला पार कर आशीष स्कूल का सफर तय करते थे। ऐसा टीचर पाकर गांव के लोग मानो निहाल हो गए। ये तो मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है, अपने भंकोली गांव की तरफ से मैं डंगवाल जी को यह बोले बिना नहीं रह पा रही हूँ कि जब भी आपका 2 साल में, 3 साल या 5 साल में जब भी आप वहाँ से ट्रांसफ़र हो तब भी आप भंकोली गांव में आना। भंकोली गांव का स्कूल, भंकोली गांव के बच्चे आपका इंतज़ार करेंगे अब भी और तब भी। आशीष मास्टर साहब की ये शोहरत सोशल मीडिया के दौर में वायरल हो चुकी है। उम्मीद है कि वो सरकारी स्कूल के उन टीचरों के लिए मिसाल साबित होंगे जिनके लिए पढ़ाने का मतलब टाइम पास करने से ज्यादा नहीं होता, जिसके लिए पढ़ाना महज नौकरी है। आशीष डंगवाल सर के इस जज्बे को R9 TV भी सलाम करता है। R9 TV के लिए देहरादून से प्रतीक पाठक की रिपोर्ट।